आज आप पूरे जिला का कमान पशुआ के हाथ में दे दिए। किशनगंज जिला में 75 से 80% सुजापुरी बिरादरी के लोग रहे, क्या वहाँ इस काबिल नहीं हमारे किसी भी प्रखंड के लोगों को कि वो जिला अध्यक्ष बने? 1990 में मरहूम मोहम्मद हुसैन आजाद साहब आपके वालिद साहब उस गद्दी पे बैठे थे जो जिला अध्यक्ष किशनगंज के बने थे। आपको विचार करना होगा कि आपने अपने वालिद साहब का चेयर किसको दिया है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इमाम अली चिंटू को किशनगंज का जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के बाद पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। एक तरफ जहां आज किशनगंज कांग्रेस जिला कार्यालय में नव नियुक्त जिला अध्यक्ष के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता नव नियुक्त जिला अध्यक्ष का विरोध कर सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया कि जिन्हें एक लाइन पढ़ना लिखना तक नहीं आता है उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकर्ताओं ने नव नियुक्त जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू को जिला अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग करते हुए सुरजापुरी समुदाय से जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की है। जी, वजह यह है सर कि मैं कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस में मैं आज कंटिन्यू 30 साल से हूं और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। अभी हम लोगों की मीटिंग हुई, हम लोग जिला स्तर से लोगों को बुलाए थे, हम लोग मीडिया को बुलाने में थोड़ी देर कर गए, मीटिंग ख़त्म हो गई, आप लोग आए, आप लोग मीडिया वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग एज ए टाइम पहुँचे। कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी से चलती है, किसी के कहने पर किसी के करने पर नहीं चलती है। कांग्रेस का एक आइडियोलॉजी है, जैसे हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पर अध्यक्ष का चयन हुआ है, नए अध्यक्ष का गठन हुआ है, आखिर किशनगंज के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया, किसी से कुछ पूछा नहीं गया और ओनली वन माननीय सांसद महोदय के रिकमेंड से यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं ये मांग करता हूँ कि जहाँ पर किशनगंज जिला में 75 से 80% सुजापुरी बिरादरी के लोग रहे, क्या वहाँ इस काबिल नहीं हमारे किसी भी प्रखंड के लोगों को कि वो जिला अध्यक्ष बने? दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है सर कि हमारा आइडियोलॉजी ये है कि इसमें हम लोग जो बनते आ रहे हैं, पद पर हैं, अभी भी पद पर हैं, तो यहाँ पे वोटिंग का मामला है, क्रियाशील मेंबर बनाने का मामला है। जो ज़्यादा मेंबर बनाएंगे, पीआरओ आएंगे, पीआरओ उसको सेलेक्ट करेंगे, लोगों से पूछा जाएगा। नहीं किसी में कोई पीआरओ आए, न किसी से पूछा गया। सांसद महोदय ने किसी भी कार्यकर्ता को भी नहीं पूछा, छोटा से लेकर बड़ा तक, कि मैं इनको बना रहा हूँ या ICC हमारा हुआ है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सांसद महोदय जो भी किए हैं हम लोग से नहीं पूछे, हम लोग को दुख है। मैं सांसद महोदय का विरोध नहीं हूँ, मैं जिसको अध्यक्ष बनाया उसका विरोध नहीं है, मैं वसूल का खिलाफ हूँ। जो कांग्रेस आइडियोलॉजी चलती है उस आइडियोलॉजी को लाइए ना आप। आप छोटा से कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता क्यों नहीं पूछे, ये हम लोग को दुख की बात है। अभी भी मैं सामान्य सांसद महोदय से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से अखिलेश सिंह भैया से और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे ये मांग करता हूँ कि किशनगंज जिला बहुसंख्यक मुस्लिम के क्षेत्र के जिला का है, यहाँ पर एक मजबूत कार्यकर्ता होने का जरूरत है, क्योंकि सामने में 24 का चुनाव है। हम लोग कांग्रेस का ब्लड हूँ, इसलिए कांग्रेस के लिए समर्पित करता हूँ। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी कोई मामला आ जाए। कांग्रेस पार्टी जीते, सांसद महोदय जिसको टिकट देगा वो जीते, हम लोग ये इनकलाब ला रहे हैं, पुनः विचार किया जाए जिसको अध्यक्ष बना है। आप परंपरा को ताक में रख के एक आदमी का नाम रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे तौसीफ आलम है, आपने जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? मस्तान साहब है, आपने जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? 75% सुरजापुरी आबादी है। जब आप टिकट लेने कोई कैंडिडेट यहाँ का कार्यकर्ता जाता है कांग्रेस का, तो आप दिल्ली में बोलते हैं कि 12 से 15 हज़ार पछमा का वोट है, अगर आप इसको टिकट दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। आज आप पूरे जिला का कमान पछमा के हाथ में दे दिए, सारे सीनियर लोगों को आप नेगलेक्ट कर दिए, इस समय आपको कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं विचार किया? आप पूरे कार्यकर्ता का मीटिंग बुलाते हैं, आप मीटिंग बुला के निर्णय देते कि भाई आप लोग का क्या है, मैं फल्ला को यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाने जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक बार जो है चिट्ठी आता है कि भाई फल्ला फल्ला आदमी जो है किशनगंज का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हो गया, मनमानी किया गया है, बिल्कुल एकदम मनमानी है, एकदम मनमानी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि इसको आप बोलिए। किन लोगों की मनमानी है इसमें? अरे भाई आपसे क्या छुपा हुआ है, किन लोगों की है? एक आदमी है, वन मैन आर्मी समझ रहे हैं कि भाई हम जो है पार्टी में है, हम जो करेंगे वही होगा। तो हम लोग माननीय अखिलेश जी और प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं उनको हम मेमोरेंडम दे रहे हैं कि अगर एक ही आदमी पार्टी में सर्वसर्वा है तो सबके लिए चिट्ठी इशू कर दिया जाए, सबको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए, आप कांग्रेस एक आदमी चलाएगा। अगर ये आपको प्रस्ताव को नहीं माना गया तो क्या फिर? बस विरोध के विरोध पार्टी में अगर आप है और अच्छा कार्यकर्ता है, आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी को भविष्य में नुकसान नहीं हो, तो आपके सांसद
एमएलए या कोई भी कार्यकर्ता गलत काम करता है पार्टी में जिससे पार्टी को नुकसान होता है, तो आपको विरोध करने का अधिकार है, तभी आप एक अच्छा और सच्चा कार्यकर्ता है। अगर आप चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम लोग का विरोध है और मैं सांसद महोदय से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने जिसको उस गद्दी पे बैठाया है 1990 में मरहूम मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, आपके वालिद साहब उस गद्दी पे बैठे थे जो जिला अध्यक्ष किशनगंज के बने थे, आपको विचार करना होगा कि आपने अपने वालिद साहब का चेयर किसको दिया है। ये मेन हम लोग का विरोध है। क्या हम उसके पीछे जा सकते हैं? क्या जो कांग्रेस पार्टी में 60 साल 70 साल से है वो उसके पीछे जाएगा? आपको विचार करना होगा। आपको जो आज मन में आ रहा कर दे रहे हैं आप, तो भाई कर दे रहे तो ठीक है, तो हम लोग को विरोध करने का अधिकार है ना। हिंदुस्तान में संविधान आपको विरोध करने का अधिकार दिया है। हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब आला कमान है, जो अच्छा लगेगा आला कमान अपना लेगा, लेकिन हम लोग का नाम विरोध में लिखा जाएगा कि भाई गलत हो रहा था तो हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया। वहीं सम्मान समारोह कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद और विधायक इजहारुल हुसैन ने भाग लिया और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। सांसद ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की सलाह के बाद इमाम अली चिंटू को जिला अध्यक्ष चुना गया है। विधायक इजहारुल हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे एक सामान्य कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष चुना है जो हमेशा लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ता से पार्टी और भी मजबूत होगी। सबसे पहले आप लोग के माध्यम से मैं इमाम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही में जितने भी हमारे जिला के कांग्रेसी साथीगण हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मशवरे से हमारे बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी ने और उनके रिकमेंडेशन से हमारे AICC के माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने इनको अध्यक्ष बनाया है ज़िला का, और हम लोग सब लोग मिलके इनके साथ काम करेंगे ताकि कांग्रेस लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहे, लोगों के जो परेशानियां हैं उसको हल करने के लिए हमेशा एकजुट रह के लोगों के बीच में रहे। सबसे पहले मैं हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसी शख्सियत इमाम अली चिंटू जी को यहाँ का अध्यक्ष चुन के बहुत बड़ा काम किया है, और हम अपनी तरफ से और पूरे इस क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं। पार्टी ने ऐसे शख्सियत को चुनी है जो शख्सियत हमेशा 24 घंटा तैयार रहता है और निष्ठापूर्वक काम करता है, और मुझे उम्मीद है इनके नेतृत्व में हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू ने कहा कि पार्टी द्वारा जिस तरह से विश्वास कर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वे हाई कमान की कसौटी पर खड़ा उतरते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए, हम एक छोटा सा कार्यकर्ता है, 2012 से हम कांग्रेस पार्टी में हैं, हम दो बार युद्ध का चुनाव भी लड़े हैं, हमको आला कमान में जो जिम्मेदारी दिया है, मेरा ना मकसद है ना सांसद बनना ना विधायक बनना, मेरा मकसद है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। मैं बूथ स्तर से लेकर मैं जिला तक संगठन को इतना मजबूत कर दूंगा कि आने वाला 2024 में सिर्फ कांग्रेस ही नजर आएगा।